अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं उम्मीद का दी आप साहब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तो निजात दे। सिदवान अज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करते पहले छोटी जी अर्ज करते हैं, जिन्हें मेरे भैन भी साढ़े नवे ने जिन्हें साडा निधा फैमिली ब्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह जी, अज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। मेरे भैन भी साड़ी वीडियो पूरी वॉच करनी है, पूरी वीडियो देखनी है। और मेरा जुल्के नैन, अस्सलाम वालेकुम, ठीक आप कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? जुल्कर नैन दे पापा जिहड़े लैबोरेटरी चले गए ने ते अपनी ड्यूटी ते चले गए ने, बच्चे भी सुबह स्कूल चले गए सीगे ते जैन दे पापा भी अपनी ड्यूटी ते चले गए ने जान लगे। मेरे नाल जिहड़ा मूंगरे बनवा गए ने, कह रहे सीगे कि मूंगरे जिहड़े बनाए ने मैं ते इहनां बनवा दिंदा, कि मेरी कल थोड़ी तबीयत खराब सीगी ते कह रहे सीगे कि मैं मूंगरे बनवा दिंदा तुहाडे नाल बैठे बैठे मूंगरे बनवा के, ते उह चले गए ने लैबोरेटरी अपनी ड्यूटी ते। तो मेरा जो भी अज का ब्लॉग होएगा मैं अपने भैन भैया लाजमी शेयर कराऊंगी। वालेकुम सलाम, ठीक आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक हूँ, कहना कैसे हो? तो बैड तो कंबल वगैरह भी नहीं चक्या, तो ये बिस्तरा नहीं हले तय किया, कमरे की सफाई भी करनी है। तो लेकिन सब तो पहले मैं बाहर जड़े बाहर का जरा ब्लॉग वो शेयर करूँगी। जैन दे पापा मूंगरे कटवा के मेरे नाल बनवा के चले गए सी, ते मटर मैं आप खुद निकाल लेने, ते ऐ वाला जिहड़ा मसाला लिया वा हुण बाहर रेड़ी वाला आया सी उहदे कोल लिया मसाला की दिता जी उन्होंने, टमाटर और सबस्तनिया ये जी मैं हुण मसाला लिया वा, ते ये भी मैं हांडी भी बनावांगी नाल नाल शेयर करांगी। ते गफार मेडिसिन खा के चले गया, वह भी अपने भाई दे नाल गया वा, उन्हें कोई उन्हें जरूरी काम सीगा इस करके फिर वह भी नाल चले गया। तो मैं इतने चार पाई तो बैठ के चादर नहीं बिछाई, अज इसी तरह चादर बिछाने तो बगैर ही बैठ के फिर मैं मूंगरे वगैरह बनाए, नाल ही मैं मटर बना ले। सब तो पहले मैं छिलके उठावगी चार पाई तो, छिलके उठा के इन्हों बाहर फेंक दी, छिलके जी मैं उठा लेने, तो इन्होंने छिलकों में बहर फेंक दी हैं। और फिर मटर मैं इस तो निकाल के रखे ने ताकि मटर जड़े आ इन्हों मैं की कर सकता बॉयल कर सकता। हूँ जी मैं अग जला ली है और उपर रख दी हाँ पानी वाली देगची, पानी वाली देगची ऊपर वाली पानी ये मैं पा लिया वा। और हूँ ये मैं सब तो पहले मटर बॉयल कराऊंगी, मटर बॉयल कर लाँगी। एक मटर मैं निकाल लेने, निकाल के देगची निकालते उपर देता ढक्कन उपर रख के ताकि अच्छे तरीके बॉयल हो जाए। तो लेकिन ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी, जरा हल्के बॉयल करूँगी। एक चीज़ तो भूल गई, हाँ ये हल्का जहा नमक भी पाना वा, तो नमक पा के फिर इन्हों बॉयल करना वा। ये जी नमक, नमक पा के बॉयल करना इन्हों, ताकि इस तरह हल्के जो बॉयल हो जाएंगे फिर मैं इन्हों इन्हों पैकेट बना के फ्रिज रख दूँगी। देखो जी रब की कुदरत, पूरा साल प्याज पै रहे थे नहीं उगते, तो इन्होंने दिनों चा के किड़े किड़े लंबे प्याज उग जाते हैं। प्याज भी मैं कट लेने और लसन मैं अपनी कैरी चो इतों पटिया वा, पट के लसन कैरी चो तो मैं इन्हें धो के अच्छे तरीके वाश करके मैं ये बरीक बरीक कटांगी। तो मटर साढ़े, मटर साढ़े भी उबल लग गए ने, पानी उबल लग गया वा, मटर साढ़े भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं पानी जी ऐड करके रख दिते बस हल्का जहा वाला आ गया, हूँ इन्होंने उतार लवेंगी, उतार के फिर इन्हों रख देंगे ठंडे होने वास्ते। तो उतनी देर से मैं अपना लसन प्याज तैयार कर लूँगा। मटर जी साढ़े तैयार हो गए से और मैं उपर हांडी रख दिनी बिच, मैं ये घे ऐड कर आयल ऐड कर दिनी, आयल मैं ऐड कर दिता जी। और हम मैं आयल थोड़ी देर गर्म होने दिनी है, मैं सालों भी तैयार कर लेनी। मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ टमाटर भी काफी, मूंगरे जी मेरे ऐड कर दिते ने, इन्होंने उपर दिन ढक्कन आलू पक जाए मेरी नाल नाल मैं आलू छिल रही हूँ, आलू छिल के मैं आलू भी कट के ऐड कर दाँगी बकाया, फिर होर भी जो घर का ब्लॉग है शेयर कर होर काम कर दिया कर दाल नाल। मैं हाँ सालन भी हूँ देख लो, सालन माशा मेरा तैयार हो चलिया, आलू मैं कट के रख रहे हैं, अजक मूंगरे थोड़े जिम्मे सख्त होंगे ने इस करके मैं
खाली पहले मूंगरे रखे बाद मैं इन्हें आलू वगैरह ऐड कराऊँ। आलू ज़्यादा नरम जल्दी हो जाते हैं, मूंगरे ज़्यादा थोड़े जल्दी सख्त हो जाएगा। मैं उसको इसको हांडी ढक्कन देता हांडी पर, मैं नाल ही डब्बे चुके अंदर आ देवा। जल कहने सेब माल्टा चुके लिया, कहता मम्मा मैं सेब तो माल्टा दे कट के, तो उन्होंने मैं कट के दिनी सेब और माल्टा। मैं बर्तन भी धो लवा, सालन उपर पकन रख दिता, और नाल मैं बर्तन धो लवा। सुबह मैं अंडा बना के दिता सी अलीजा फातमा नू, नाल लंच तैयार करके दिता सी। ते सुबह जिहड़ा सीगा भी उन्हें स्कूल तोड़ के जैन के पापा ने फिर नाश्ता वगैरह देना होंदा, काफ़ी टाइम लग जाता वा। उन्होंने भी नाश्ता करा के उन्होंने भी लैबोरेटरी भेजा वा, लैबोरेटरी भेज के तो फिर मैं उन्होंने अपनी ड्यूटी से चले गए ने। तो गफार भी नाश्ता कराया, गफार भी उन्होंने नाल ही चले गया करके नाश्ता। तो हूँ मैं सब तो पहले जिहड़ा सीगा भी जिहड़े मूंगरे बने सीगे ते नाल उन्होंने मटर सीगे, मटर बॉयल किए ने करके, मटर मैं रख ले बॉयल। तो सालन भी उपर पकना रखता, हूँ मैं नाल फटाफट मैं बर्तन भी धो ला। लो जी मैं बर्तन भी अच्छे तरीके ने वाश कर लेने, बर्तन वाश करके साइड पर रखते हैं। तो मैं ले आई हूँ मटर अंदर चुके किचन च, तो इन मैं हूँ पानी जरा इन्हों का निकाल दें। टोकरी में मैं बिल्कुल इन्हें निकाल लिया, और इन्हें थोड़ी देर पानी खुश्क होने देने। पानी खुश्क हो जाएगा जो उदो फिर इन्हों का मैं पैकेट बना के फिर फ्रिज रखा, ताकि जो बेमौसमी चीज़ बनाइए तो बहुत मज़ेदार बनती है। तो वाकई ही बहुत दिल करता, तो मैं इस तरह अगे इस तरह करके दो चार पैकेट बना के रख लेनी हूँ, बल्कि ज़्यादा ही बना लेनी हूँ जो कोई घर मेहमान भी आए ना कोई चीज़ हो बंदा फटाफट कट के पका लेता वा। तो पिछले साल तो बस फ्रिज खराब हो गई सी पिछलिया गर्मियों में, उदो तो बस जरा नहीं कर सकी मैं। तो अज हूँ सर्दी का जरा भी एंड हो रहा वा, गर्मी तकरीबन स्टार्ट हो रही है, अज भी दिन बहुत ज़्यादा सख्त लग्या वा। हूँ इन्होंने चीज़ों का मौसम खत्म होता जा रहा, तो मैं सोचा कि चलो जैन के पापा लिया से किलो मटर ना मैं निकाल के आराम बॉयल करके रख ले, आलू मूंगरे बना ले, मटर बॉयल करके इन्हें पैकेट बनावगी बना के फ्रिज रख देंगे। और उस तो पहले मैं सब तो पहले बर्तन उठा ला, जो कि साइड पर जा बैठे बर्तन उठा के बर्तन टोकरी में जोड़ के रख देव। टोकरी सब तो पहले और बकाया जो काम होएगा फिर बकाया काम की तकरीबन काम खत्म कर ही चुकी। सुबह बच्चे गए ने, सुबह दी मैं लगी हुई काम करने घर का, तो फिर काम करके फिर बच्चों का टाइम हो जाना वा, फिर बच्चों को लैके आना शाम का, फिर खाना पीना गुजर जाती है। प्लेटा भी उठा लें जी, शोर काफ़ी आ रहा। किचन जी मैं अपना बिल्कुल नीट कर लिया, बिल्कुल किचन रेडी कर चुकी हूँ मैं। बर्तन भी जोड़े दो मैं वाश कर लेने, और देखचियाँ से काफ़ी ज़्यादा मैं धो के हटी हूँ, और चूल्हा भी बिल्कुल साफ कर लिया, क्योंकि जो मैं हूँ साफ ही है लेकिन फिर भी कभी वाश करनी था फातिमा चाय बनावे तो बिल्कुल उन्होंने खराब कर दें। तो बच्ची जो हुई कोई गल नहीं, तो मैं बिल्कुल नीट कर चुकी हूँ हर चीज़। और यह जोड़े मटर बॉयल किए थे मैं एक टोली च पा लेने, मैं छापर भी लै लेने, इन्हें छापर च पा के मैं हूँ एक एक छापर बना के इन्हों छापर च पा के एक छापर च पा लेने। इसी तरह ही जो उपर एक कटोरी एक एक कटोरी हुई है तकरीबन, तो इन्हों दूसरे छापर च पा लेंगे एक टोली चा पा लेना, चलो हिसाब किताब का पता चल जाता कि किन्ने किन्ने मटर ने। ये जी दो पैकेट हो गए, ये दोनों पैकेट मैं चक दी हाँ, चक के फ्रिज में रख दी, फ्रिज खोल दें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फ्रिज में एक मैं रखी हुई लस्सी की बोतल और एक पैकेट पहले पिया वा मटर का, और दूसरा पैकेट तीन पैकेट जी हो गए मटर दे, और ए वाले जड़े ये मूंगरे वगैरह ने पैकेट जो मैं उपर कर दिनी
ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੂੰਗਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਅਕਸਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾ ਸੌਰੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਫ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਖਾਲੀ ਆ ਦੋ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਦੋ ਟਮਾਟਰ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਵਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਡੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਾਲਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਟਮਾਟਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਸਾਲਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਂਗੀ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਬਈ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।